टीएसी का गठन को लेकर के विवाद चल रहा था और इस बीच जो है कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री के आदेश पर जो है टीएसी का गठन कर लिया गया है। हमारे साथ जो मेंबर बनाए गए हैं बंधु तिर्की, जो कि मांडर से विधायक भी हैं, वरिष्ठ लीडर हैं। दादा, एक विवाद चल रहा था और जो विवाद था वो सर्वविदित है और वो ये था कि राज्यपाल के पास जो है एक अधिकार था कि टीएसी के मेंबरों को जो है अप्रूवल वहाँ से मिलता था, राजभवन से, उसको बदल दिया गया और उसको लेकर के जो है ट्राइबल समाज में, चूँकि टीएसी एक तरीके से ऑडिटर की भूमिका में होता है 5th Scheduled स्टेट में, आप भी लगातार इसके पक्षधर रहे हैं, ये जो इस बार जो बदलाव किया गया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, अभी तक जो नई नियमावली बनी है उसको बारे में मैं अध्ययन पूरा नहीं किया हूँ, लेकिन कुछ नियम जो बने हैं वो निश्चित रूप से राज्य के आदिवासियों के हित में है, लेकिन जो हम उसको हम नियमावली को मंगाएं, लेकिन अगर कहीं कमी बेशी लगेगा तो बैठक आय में आएगा, तो ये जो चीज़ें हैं उस पर चर्चा किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिस नियम से ट्राइबलों का आहित हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसी चीज़ों पर गंभीरता से सोचते हैं। हमें लगता है वो भी पूरे देख करके अध्ययन करके ही इसको उनके द्वारा सहमति दिया गया, लेकिन फिर भी जो बातें आ रही है तो ये अध्ययन करने वाली ज़रूरत है। बहुत जल्द ही मैं नियमावली को मैं भी अध्ययन करूँगा, उसके बाद ही मैं इस पर किसी तरह का टिप्पणी दूँगा। दादा, ये जो आप बात कर रहे हैं वो नियमावली की बात कर रहे हैं जो संशोधन हो चुका है ऑलरेडी। मैं जो सवाल आपसे कर रहा हूँ कि जो एक पहले से जो कानून बना हुआ था, जो कि राज्यपाल के पास निहित था एक पावर की वो अप्रूवल देती थी, अब जबकि सरकार ने जो है मुख्यमंत्री ने उसको बदलाव करते हुए अब ये अधिकार मुख्यमंत्री के पास चला गया है, क्योंकि आप लगातार मुखर रहे हैं आदिवासी मामलों पे, आदिवासियों का जो एक बड़ा समूह जो है आपसे उम्मीद भी करता है, बीजेपी अब ये बोल रही है कि जब सरकार के पास ये अधिकार रहेगा तो टीएससी के जो मेंबर होंगे वो पपेट की तरह होंगे, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं, फिर मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो पूर्व के नियमावली निश्चित रूप से आपका संशोधन करना चाहिए था, अब उसमें जिस आर्टिकल में जो आपका महामहिम राज्यपाल को जो अधिकार प्राप्त था उसमें कितने उसमें संशोधन किया गया है, कितने किया गया है, चूँकि ये पहले पूर्व में टीएससी का आपका पूरा महामहिम राज्यपाल उसका कस्टडियन के रूप में होते थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी नियमावली बना है, संशोधन हुआ है, उसे अगर कहीं जनजातीय समाज को आहित नहीं होता है, हम देखेंगे उसको, देखने के बाद ही इस पर ई किया जा सकता है, टिप्पणी किया जा सकता है, लेकिन कुछ बातें आ रही है तो इसलिए हम इस पर सचेत हैं और नियमावली को मंगा के हम खुद बाय खुद देख रहे हैं। मैं पुनः एक बार कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काफ़ी पहले से ही हमसे उसका कई बार उनका बयान आया है कि वो बहुत सोच समझ करके ही संशोधन उन्होंने किया है। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा अगर कहीं विसंगतियाँ हैं तो जो टीएसी की बैठक होगी उस बैठक में ला करके इसको ठीक कर लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप कुछ बोलने से बचना चाह रहे हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल ये है कि ठीक है जो बदलाव हुआ है एक सवाल तो उस पर बना हुआ ही रहेगा जब तक कि आप नियमावली पढ़ नहीं लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग एक बातचीत आपसे। यहाँ तक बीजेपी वालों का कहना ऐसी बात नहीं है कि देखिए कोई भी आदिवासी समाज प्रॉफिट का क्या बात है, मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेंगे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। माननीय विधायक लोग हैं, सदस्य लोग हैं, मुख्यमंत्री अध्यक्ष रहेगा तो ऐसे थोड़ी होता है कि आपका जो कहेंगे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जैसा अपने लोग करता था वैसे ही सोचता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी विधायक लोग हैं कि कुछ गलत चीज़ों को लेकर के मुखर होकर उसको विरोध करने वाले लोग। आप ये सुनिश्चित करेंगे टीएससी के मेंबर के तौर पे कि जो भी आदिवासी समुदाय से जुड़ा हुआ मामला रहा है या फिर जो टीएससी की जो भूमिका एक ऑडिटर के तौर पे 5th Scheduled स्टेट में रहा है उसको आप बनाए रखेंगे, उसके लिए आप लड़ेंगे भले ही सरकार के द्वारा ही भले ही नहीं इसका चयन। बिल्कुल, आदिवासी के हित में अहित में जहाँ काम होगा उसमें किसी भी हद तक पार करके लड़ेंगे और हमारे माननीय सदस्य भी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, चूँकि हम पहले आदिवासी हैं उसके बाद हम विधायक हैं, तो पहले हमारे समाज को हमको उसको संरक्षित करना है, तो हमको लगता है कि माननीय सभी विधायक लोग उसको मानेंगे और चूँकि मुख्यमंत्री हुआ है बोल के हम लोगों को
कुछ निर्णय पर हम लोग उनको हस्ताक्षर करवा लेंगे, सहमति करवा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ऐसा नहीं करेंगे। तो आप बंधु तिर्की को सुन रहे थे जो कि कह रहे हैं कि पहले वो आदिवासी हैं और उसके बाद विधायक हैं और उसके बाद ही जो है उनकी पार्टी है या फिर किसी सरकार में वो शामिल हैं। जब भी आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला आएगा वो मुखर तरीके से वो आवाज़ उठाएंगे, भले ही वो सरकार के तरफ से ही मनोनीत क्यों न किए गए हों। शुक्रिया। द ब्लैक बोर्ड, बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रांची। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक शेयर एंड subscribe www.thefollowup.in